नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे। इस वक्त हम बिरहर घाट पे हैं। हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ है और भीड़ के साइड में मालती जी का दाह संस्कार हो रहा है और दाह संस्कार में उनके परिवार को संबल बढ़ाने के लिए ये दूर दराज से हजारों लोग आए हैं, सैकड़ों लोग आए हैं। उनके परिवार पे बताया जा रहा है कि आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमज़ोर हैं और उनको कमज़ोर हैं, इसलिए ये लोग अपने अपने स्तर से मदद कर रहे हैं और गाँव में चंदा वगैरह भी किए हैं। तो आप लोग भी और इस मालती चौहान को जिस तरीके से उनके साथ एक घटना करने पर मजबूर किया गया है, या घटना कोई जानबूझ के किया है या कोई साजिश रचा है, उसको न्याय दिलाने के लिए आप लोग आवाज़ जरूर उठाइए और मालती चौहान का दोषी कौन है उसको कठोर से कठोर सजा हो और जल्द से जल्द वो गिरफ्तार होकर पुलिस कस्टडी में रहे, वो जेल में रहे। और मेरा भी सोच है, मेरा भी मानना है कि ऐसे ऐसे दरिंदे इस धरती पर रहने लायक नहीं है, क्योंकि एक भोली बिटिया को, एक भोली औरत को इस तरीके से उसको मजबूर किया गया कि वो हाथ में हत्या कर ली, कि हत्या है ये अभी संशय है, क्योंकि इंडिया न्यूज ये पुख्ता सबूत के साथ ये उजागर नहीं करता है। लेकिन जिस तरीके से लोग यहाँ पे बता रहे हैं, ये लोग सारे लोगों से, मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत किया है, उन लोगों से पूछने की कोशिश किया है, वो सारे लोग बताए हैं कि मालती चौहान के साथ बहुत ही गलत हुआ है, हम उनके साथ में हैं। चाचा, आप कहाँ से आए हैं? हम घर से आए हैं। घर से आए हैं। हाँ। आप मालती जी क्या लगते हैं? अरे चाचा, चाचा लगा। हाँ। तो ये बताइए, आपके कब पता चलल है ये घटना हो गई है? अभी नहीं आप पता चला ला। नहीं, आज कल सुबह में पता चला। हाँ। है। वैसे अहिले है जब कहना है। आइए चाचा। हाँ, कब पता चला? उसका देवर आये लाल सुबेरे भर मरले के बाद, जब हम आ कुछ भी कैले हो, टंगले हो या फसरी से मरली हो, ओकरे बाद में उसका देवर है आए के बतौली से है, तब यहाँ से सब गए। मतलब विष्णु का भाई आया था। हाँ, हाँ, तब यहाँ के गांव के लोग गए। हाँ। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? मतलब केकर वो हम चाहिए भाई, आ तो उनके जीवन बीमा उठवा हो, जीवन करवास हो, आ तो उन्हें फांसी लगे, और कौन उपाय है? और कैले है नु है साथ में मिल गए कि ये लग रहा कि इस तरीके से घटना होगा। हाँ, हाँ, हाँ। अभी तक पुलिस प्रशासन, आपको क्या जानकारी है? जो उन्हें दिना ले गई ने है वही रतिया में कांड भेल है। मतलब घर से ले हाँ, उसी दिन कांड? हाँ नहीं, अरे सो करे उसी रात ले गई ने है, 8 बजे रात के अपने ससुर से आसारे से झगड़ा कर ला कह के लिया के गई ने, तो उनके कांड ना है तो दूसरे कांड है। ये चाचा का ये गांव के हैं, मालती चौहान के गांव के हैं, और ये बता रहे हैं कि जिस रात को लेकर गए उसी रात एक कांड अगले दिन हो गया, उसी सुबह भर पता चल गया। ये आप कहां से भैया हैं? उनके उनके फुआ का लड़के हैं, मालती के फुआ के लड़के हैं। हाँ। तो आप थोड़ा सा आ जाइए, नीचे आ जाइए। आप फुआ के लड़के हैं, तो आपको कब पता चला है? हमको सुबह फोन आया था, नीरव ने फोन किया था 5 बजे। हाँ। तो ये घटना कैसी है? क्या मालती अपने से सब कर? नहीं, ये मारा गया है, साजिश रचा गया है। 4-5 लोग इसमें हैं, नाम नहीं ले सकते हैं, मगर 4-5 लोग हैं इसमें साजिश। हाँ, ये बहुत बड़ा खुलासा है। हाँ, कि आपको किसी पे शक? किसी? हाँ, शक तो बहुत है, शक बहुत है। 4-5 लोग, विष्णु सबसे ज्यादा, विष्णु ही किया है जो किया है। हाँ, सबसे पहला सबसे, तो वही, वही है विष्णु है जो। हाँ, FIR दर्ज हो चुका है। हाँ हाँ, हो गया है। नामजद 5 लोग? हाँ हाँ। नामजद में कितने हैं? नाम नहीं बता सकते हैं। हाँ, नाम नहीं बता सकते हैं। कार्रवाई क्या हुआ अभी तक? कार्रवाई अभी तो शुरू हो, कार्रवाई तो हुआ है अभी, अभी देखो क्या चल रहा है, अभी प्रशासन जैसे बताएगा वैसे ही होगा। जितने लोगों को आपने? अभी विष्णु, सिर्फ विष्णु भर गिरफ्तार हुआ है अभी, अभी नहीं, अभी सब लोग बचे, अभी घूम रहे हैं चारों लोग। हाँ। तो देख सकते हैं 5 लोगों को नाम दिया गया है, 5 लोग मालती के फुआ के लड़के, इन्होंने बताया 5 लोगों का नाम दर्ज है और 5 लोगों में सिर्फ एक ही गिरफ्तार हुआ। वो गिरफ्तार कौन हुआ है? वो सिर्फ विष्णु गिरफ्तार हुआ है, बाकी 4 फरार हैं। और उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन 4 लोगों को अरेस्ट करेगी और से जल्द मालती को न्याय दिलाने के लिए आगे आएगी। और आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। जय हिंद, जय भारत।